सुप्रिया जरा मुझे ये बताइए कि पंजाब कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है इस बीच में, अब राहुल गांधी की एंट्री हो जाना, जहां पर सोनिया गांधी मौजूद है, हरीश रावत मौजूद हैं, सिद्धू मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और कैप्टन अमरिंदर कितने स्ट्रांग होल्ड हैं ये हर कोई जानता है। अब कांग्रेस इस मामले का हल निकालने की कोशिश क्या करेगी, क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, या हो सकता है फैसला उस पर हो जो हरीश रावत सुझा चुके हैं पहले? देखिए पूर्णिमा, जहां तक राहुल गांधी की एंट्री का सवाल है, वो बहुत पहले से ही पूरे के पूरे पंजाब का जो ये ऑर्गेनाइजेशन रीशफल को लेकर प्रकरण चल रहा है उसमें इन्वॉल्व थे। जितने भी पंजाब के MLAs, MPs, सीनियर लीडर्स हैं, वो यहीं पर जहां हम खड़े हैं 10 जनपद पर आए हैं, राहुल गांधी से मिल के गए हैं, 1-on-1 उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू से भी उन्होंने यहां पर बात करी थी। जहां हम हैं 12 तुगलक लेन, उनका रेजिडेंस है, यहीं से थोड़ी देर पहले जो है वो खुद सेल्फ ड्राइव कर 10 जनपद गए हैं, ऐसा हमारे को भी सूत्रों से पता चला, क्योंकि यहां से जब वो निकले हैं तो खबर यही थी कि 10 जनपद की ओर जा रहे हैं, और 10 जनपद में ऑलरेडी नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी उनके साथ बैठक चल रही है। इसके साथ साथ पूर्णिमा सिचुएशन ये भी है कि जहां तक पंजाब कांग्रेस का सवाल है, उनका कहना यह है कि सिचुएशन कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में इस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अगर उनको PCC बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला जाए, और दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर आप चीफ मिनिस्टर रखते हैं पंजाब का, तो आपको फिर सिद्धू को कमान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में दोनों रहते हुए भी दो धड़े के तरफ, यानी कि पार्टी जो है दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, एक बन जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू का जो कि PCC होंगे, और दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर होंगे। सो पंजाब कांग्रेस के अब जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना यह है कि दोनों में से कहीं ना कहीं सिचुएशन अब ऐसी बन गई है कि एक ही वहां का पंजाब कांग्रेस का कैप्टन हो सकता है या सरदार हो सकता है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे के बीच में और सिद्धू के बीच में जो तनातनी रही है वो कोई नई बात है नहीं, और जग जाहिर रही है कि दोनों के बीच में कभी आपस में बनती नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस की क्या कवायद होगी, आला कमान की कवायद क्या होगी कि पंजाब कांग्रेस को और कैप्टन एज अ सीनियर लीडर पंजाब में कांग्रेस की इतना स्ट्रांग होल्ड जो कैप्टन ने दिया है उसे बरकरार रखा जाए, या फिर सिद्धू को कूल करने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि कैप्टन का पारा हाई हो जाए और पंजाब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आला कमान की प्रायोरिटी क्या है, सोर्सेस क्या बता रहे? देखिए जहां तक आला कमान का सवाल है, जहां तक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहां से खबर यही निकल कर आ रही है पूर्णिमा कि साफ कल ये हरीश रावत ने 10 जनपद पे शाम को जो बैठक हुई है उसके बाद बाहर आकर ये कहा कि कैप्टन चेहरा होंगे 2022 के असेंबली चुनावों का, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है। लेकिन सिद्धू को भी अहम भूमिका दी जाएगी और वो PCC के इर्द गिर्द ही कहीं होगी, तो मतलब कि यहाँ नाक ऐसे नहीं पकड़ी तैसे घुमा के पकड़ ली, लेकिन बात सारा का सारा जो पूरा का इसका जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आला कमान दोनों नेताओं को बिठा के पेसिफाई करना चाहती है। एक और इंटरेस्टिंग जो कल डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, वो था कि कमलनाथ कल जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को मिले हैं। ये सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की जो दोस्ती है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो बहुत पुरानी है, तो ये भी खबरें आ रही हैं निकल के कि शायद अब कमलनाथ जी को भी जो है रोप इन किया जाए कि आप जाइए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझाइए, क्योंकि सिद्धू को कहीं ना कहीं कमान मिलती हुई नजर आ रही है पंजाब कांग्रेस की। लेकिन दोनों कितने दूर कितने पास होंगे इसकी तस्वीर सुप्रिया जरूर साफ हो जाएगी, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। सुप्रिया आप रहिएगा हमारे साथ, और जैसा कि लगातार तस्वीरें कुमार भी हमें दिखा रहे थे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हैं जहां पर कमलनाथ की एंट्री हो सकती है। कुमार, जितनी पॉलिटिक्स की समझ आप भी रखते हैं, प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं, कुछ राज्यों में और चुनाव हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस ये मैसेज देना चाहेगी कि व्यक्ति विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको साथ के रखना है, या फिर पार्टी को एक साथ जोड़े रखने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी? पूर्णिमा, पार्टी के लिए संगठन और व्यक्ति दोनों आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, खास करके पंजाब की राजनीति को अगर ध्यान में रखें। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, थोड़े दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ इशारा किया था, तो पार्टी इस बात को लेकर भी केयरफुल है, क्योंकि हाल फिलहाल में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त सिद्धू की एंट्री आम आदमी पार्टी में होते होते रह गई थी। तो सिद्धू एक तरह से यह भी मैसेज देना चाहते हैं कि यदि उनको पार्टी में तरजीह नहीं दी जाती है तो दूसरे पार्टी के दरवाजे भी उनकी तरफ से खुले हुए।
हुए हैं। मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ तक मैसेज दिया था कि सिद्धू के बारे में सार्वजनिक मंच से कुछ भी ना बोले। तो ये सब जो कई सारी चीजें हैं, अगर उन सभी चीजों को कोरिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संगठन को मजबूत करें और साथ में संगठन के जो लोग हैं वो कहीं भी छोड़ के ना जाएं। अब जहां तक सिद्धू की बात है, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, यही एक बड़ी परेशानी है। और जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर नाराज हो रहे हैं, हरीश रावत है ही, वो भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पर नजर बनाए रखिएगा आप सुप्रिया, आप भी, और कुमार कुंदन आप भी, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।